अगर आप बायोमास से बायोमास पैलेट बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पूरे साल होना, एक जो ऐसा स्टोरेज प्लान करें जहां पर कि आप साल भर का रॉ मटेरियल इकट्ठा करें। एक एकड़ जमीन से लगभग लगभग 200 से 400 टन के आसपास नेपियर, ग्रीन नेपियर हमको मिल सकता है। नेपियर एक ऐसा क्रॉप है क्योंकि फुल ऑफ शुगर है। नेपियर से आप बायोमास पैलेट बना सकते हैं, बायो सीएनजी बना सकते हैं। मशीन देख रहे हैं, ये है नेपियर जूस एक्सट्रैक्टर जो कि आपको 65% से 27% मॉइस्चर पर लागे देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेग इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन आज डायरेक्टली इको सस्टेन एक्सपो 2024 से रिपोर्ट कर रहा हूं, जो कि हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर कोंडापुर हैदराबाद में हो रहा है। और इस एग्जीबिशन का जो मकसद था वो है बायोमास से बायोमास पैलेट या बायोमास से बायो सीएनजी टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करने के लिए एक पेविलियन यहाँ पर बनाया हुआ था। दोस्तों इस पेविलियन में हमने कई हमारे साउथ के और नॉर्थ के जो हमारे जो क्लाइंट्स आए उनसे डिस्कस किया, और सबकी एक बहुत डिमांड थी कि आप नेपियर पे एक बार पूरा प्रकाश डालिए। तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग नेपियर एक जो ग्रास है, नेपियर एक जो एक सबसे फर्टाइल ग्रास है, उसके ऊपर वन टू वन डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप बायोमास से बायोमास पैलेट बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पूरे साल होना एक ज़रूरी है। और ओनली नेपियर के साथ एक क्रॉप है क्योंकि साल भर अवेलेबल होता है, क्योंकि इसकी फार्मिंग हर 3 महीने में हो रही है और 3 महीने बाद में आपको अच्छा खासा क्वांटम में नेपियर मिल जाता है। दोस्तों अगर आप वाकई में बायोमास से बायोमास पैलेट बनाना चाहते हैं और आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हैं तो आपके पास कई तरह के रॉ मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि राइस हस्क हो सकता है, पराली हो सकता है, मेज हस्क हो सकता है, या आपके पास मस्टर्ड हस्क हो सकता है, सोयाबीन हस्क हो सकता है, सॉड हस्क हो सकता है, ग्राउंडनट शेल हो सकता है। लेकिन क्या आप इन सब रॉ मटेरियल के बेसिस पे पूरे साल प्लान बनाने के लिए तैयार हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास हर 3 महीने में क्रॉपिंग खत्म हो जाती है, या फिर आप बहुत बड़ा ऐसा स्टोरेज प्लान करें जहाँ पर कि आप साल भर का रॉ मटेरियल इकट्ठा करें। इसके लिए आपको काफ़ी पैसे की आवश्यकता होगी, साथ साथ शेड की भी आवश्यकता होगी। तो हम आज प्रकाश डालेंगे नेपियर पे कि आखिरकार नेपियर से पैलेट कैसे बनता है, और नेपियर से पैलेट बनाने के लिए किस तरह का साइज का प्लांट की आवश्यकता होगी, किस तरह के साइज के प्लांट के लिए कितनी फार्मिंग की आवश्यकता है, ऐसे कई सारे बिंदुओं पर हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर। तो दोस्तों नेपियर फार्मिंग की अगर हम बात करें तो अगर हम बायोमास से बायोमास पैलेट का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आखिरकार कितने एकड़ में हमको प्लांट लगाएं, कितने एकड़ में हम नेपियर लगाएं तो कितने टन का प्लांट चल सकता है, ये एक आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आता होगा। क्योंकि आखिरकार हम फार्मिंग करेंगे उसी से हमारी क्रॉप आएगी और उसी से हमारा प्लांट चलेगा। तो दोस्तों अगर हम एक अनुमानित माने, पूरे इंडिया का एवरेज माने, तो एक एकड़ ज़मीन से लगभग लगभग 200 से 400 टन के आसपास नेपियर, ग्रीन नेपियर हमको मिल सकती है। अगर हम इसका एवरेज भी माने और मान के चलें कि हम कम से कम भी एवरेज मान लें तो 250 टन का अगर एवरेज मानते हैं तो एक एकड़ लैंड से हमको 250 टन नेपियर एक सालाना रूप से मिल सकती है। इसको अगर हम डिवाइड करें 10 महीने से डिवाइड करें तो ये लगभग लगभग 25 टन पर मंथ के हिसाब से एक एवरेज क्रॉप हमको मिलती है। लेकिन ये जो मॉइस्चर होती है, इसके ये नेपियर होती है, इसके अंदर मॉइस्चर जो होती है वो होती है 65%, जो कि हमारे पैलेट बनाने की योग्य नहीं है। हालांकि आपको ये पता होगा कि नेपियर एक ऐसा क्रॉप है क्योंकि फुल ऑफ शुगर है। नेपियर से आप बायोमास पैलेट बना सकते हैं, बायो सीएनजी बना सकते हैं, बायोमास फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, इसके अलावा आप बायोएथेनॉल बना सकते हैं और कैटल फीड बना सकते हैं। अभी हम इस वीडियो के अंदर वर्तमान में बायोमास पैलेट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें नेपियर से जो मॉइस्चर आता है वो होता है 65%, लेकिन अगर हमको पैलेट बनाना है तो हमें इसको लाना पड़ता है 30% तक, क्योंकि हमको प्लांट के अंदर 30% से नीचे अगर पैलेट है, मॉइस्चर है, तो ही हमको चलेगा। तो अगर हम बात करें 65% मॉइस्चर से 27% मॉइस्चर तक अगर हम लेकर आते हैं ड्रायर के माध्यम से, या मान लीजिए जूस रिमूवर से लेकर आते हैं, तो इससे हमको जो मास मिलेगा 250 टन से हमको मिलेगा 155 टन, यानी कि एक एकड़ में 250 टन। और अगर हम उसको प्लांट में पैलेट बनाने के लिए लाते हैं 27% मॉइस्चर पे, तो हमको 250 टन से 38% मॉइस्चर कम करके मिलता है सीधा 155 टन, यानी कि 160 टन के आसपास, 155 से 160 टन मिलता है। अगर हम इसको 10 महीने में डिवाइड करें, क्योंकि साल के अंदर 10 महीने ही प्लांट चलते हैं या 11 महीने प्लांट चलते हैं, तो हम ये मान के चले 16 टन पर मंथ के आसपास हमको इससे नेपियर मिल गया, जो कि ड्राई है, 27% मॉइस्चर का है और सीधे सीधे प्लांट में चल सकता है। लेकिन अब हम बात करें कि आखिरकार हमें कितना नेपियर की आवश्यकता होगी ताकि हम कितने पे प्लांट, कितने टन पर आवर का प्लांट प्लान कर सकें। तो दोस्तों अगर हम 50 एकड़ में प्लानिंग करें और अगर 15 टन 16 टन हमारे पास पर एकड़ का एवरेज आ रहा है ऐसा बायोमास जो कि 27% मॉइस्चर का है, तो हमको लगभग 50 एकड़ लैंड से 800 टन के आसपास बायोमास मिल जाएगा, जो कि फिट फॉर मेकिंग अ पैलेट है।
लेकिन आप जब प्लांट में हम प्रोसेस करते हैं तो इसके अंदर भी हम मॉइस्चर रिडक्शन करते हैं, और ये 27% का जो बायोमास हमको मिल रहा है, नेपियर हमको मिल रहा है, वो आता है 10% तक, यानी हम यहाँ पर फर्दर 17% का रिडक्शन करते हैं। तो अगर हम 800 टन को 17% रिडक्शन करें तो प्लांट से हमको फाइनल पैलेट जो मिलेगा वो मिलेगा 664 टन, और अगर हम इसको एवरेज माने तो 650 या 600 टन हम मान सकते हैं। तो 600 से 650 टन पैलेट हमको मिलेगा 50 एकड़ से, यानी कि अगर 50 एकड़ के पास आपके पास फार्मिंग है तो आप 650 टन एक महीने का पैलेट बना सकते हैं। और इसको हम बैक इंटीग्रेटेड करें, 650 टन को हम डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करें, क्योंकि 20 दिन की वर्किंग मान करके, तो ये हो गया लगभग 30-32 टन पर आवर का हो गया, पर डे का हो गया, 30-32 टन पर डे, इसका मतलब 1.5 से 2 टन का प्लांट इसके लिए काफ़ी रहेगा। और अगर हम इस 50 एकड़ के लिए 25 एकड़ माने और इसको 332 टन माने तो हमारा ये हो गया 800 से 1 टन का प्लांट हो गया। यानी कि अगर आप 50 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं तो आप आसानी से 10 महीने की क्रॉप 20 दिन की प्लांट के अंदर वर्किंग से आप आराम से 650 टन पैलेट पर मंथ बना सकते हैं अगर 50 एकड़ में फार्मिंग है। और अगर आपको 25 एकड़ में फार्मिंग है तो आप आसानी से 332 टन यानी 330 टन के आसपास पैलेट जो है एक महीने में बना सकते हैं और आप आसानी से इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमें कितनी एकड़ की फार्मिंग चाहिए और हम कितने इससे फार्मिंग कर सकते हैं, कितने उससे पैलेट बना सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिरकार नेपियर से अगर हमको पैलेट बनाना है, यानी कि उस नेपियर से जिसका कि हम लोग लगभग 65 से 27% मॉइस्चर पर ला चुके हैं, यानी कि जो हमारे फार्म से 250 टन पर एकड़ हमको मिल रहा था, हम उसको जब मॉइस्चर रिडक्शन करके लाते हैं 27% तक, तो वो हमको मिलता है लगभग 155 टन। यानी इसको हमको अगर पैलेट में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा। सपोज आप अगर फार्म पे पैलेट प्लांट लगा रहे हैं और आप फार्म से लाए हुए मटेरियल से पैलेट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लगेगा जूस एक्सट्रैक्टर। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये है नेपियर जूस एक्सट्रैक्टर, जो कि आपको 65% से 27% मॉइस्चर पर लगा देगा। ये जो पैलेट ये मशीन है, ये जूस एक्सट्रैक्टर जो है आपको 27% मॉइस्चर पर लगा देगा। यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा दैट इज़ बेसिकली यूजफुल फॉर योर पैलेट मेकिंग, क्योंकि यहाँ से मटेरियल निकलने के बाद ही आप इसको पैलेट प्लांट में ला सकते हैं। तो अब अगर पैलेट प्लांट में लाते हैं तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो है ड्रायर। तो ड्रायर हमारे जो इसमें लगेगा वो है रोटी टायर। आप जो मेरे साथ देख रहे हैं ये एक रोटी टायर है, ये इस रोटी टायर का क्लीन है, फर्नेस है। यहाँ से हम लोग जो 27% मॉइस्चर का जो फीड स्टॉक रहेगा उसको डालेंगे, और यहाँ से अगर हम देखें तो इसका आउटपुट आएगा ये, इसके साथ में साइक्लोन है, डस्ट कलेक्टर है। तो अगर हम पूरा प्रोसेस करें तो यहाँ से हमको 27% का जो हमने फीड स्टॉक डाला था ये मिलेगा हमको 10% पे 12% पे, क्योंकि हमने इसको ड्राई कर दिया। और अब ये साइज रिडक्शन के लिए रेडी है। यहाँ से जो हमारा पैलेट निकलेगा, जो पाउडर निकलेगा, इसको हम लोग ले जाएंगे अगेन हैमर मिल में। ये है हमारा हैमर मिल, यहाँ से हम इसको साइज रिडक्शन करेंगे 6 से 10 mm के अंदर। यानी कि हमने सबसे पहले जूस एक्सट्रैक्ट किया, फिर हमने ड्राई किया, और उसके बाद हमने साइज रिडक्शन किया। साइज रिडक्शन करने के बाद में इस हैमर मिल से, जो आप देख रहे हैं पूरा हैमर मिल, इसके अंदर यहाँ से आउटपुट मिलेगा, और ये इसका डस्ट कलेक्शन सिस्टम है। तो आफ्टर वी एक्सट्रैक्ट द मॉइस्चर टिल 17%, यानी हमने 27% से जो हमारा 10% आ गया उसको हमने ग्राइंडिंग किया, और ग्राइंडिंग करने के बाद में हम सीधा आ जाएंगे मिक्सिंग सिस्टम पर। ये जो मिक्सिंग सिस्टम है, यहाँ पर हम चाहें तो प्योर नेपियर से पैलेट बना सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि नेपियर में हमारे पास जो लोकल मौजूद एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, अगर आप सोयाबीन हस्क मिलाना चाहते हैं, कॉटन सीड मिलाना चाहते हैं, या ग्राउंडनट सीड मिलाना चाहते हैं, सॉडस मिलाना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं और अपनी जीसी बनाज कर सकते हैं। यहाँ से जो मिक्सिंग करने के बाद में जो पाउडर आएगा उसको हम ले जाएंगे वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन में। यह पैलेट मशीन 132 किलोवाट की आएगी, और इस पैलेट मशीन से हम लोग 2 टन पर आवर के पैलेट बना सकते हैं। यहाँ से पैलेट बनाने के बाद में जो पैलेट आएगा वो 6 mm, 8 mm, 10 mm किसी भी साइज का हो सकता है, और यहाँ से जो पैलेट निकलेगा उसको हम लोग ग्रेडिंग करेंगे ताकि इसके अंदर जो मौजूद एक्स्ट्रा पाउडर है वो यहाँ से निकल जाएगा और नीचे से निकल जाएगा, और जो फ्राइड पैलेट है जो कि बिल्कुल साबुत पैलेट है वो हमारा कूलिंग कन्वेयर से होकर के ठंडा होकर के एक हॉपर में चला जाएगा, और यहाँ से हम इसकी पैकिंग कर सकते हैं या फिर इसको ट्रक लोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेडिशनल फ्यूल से हट करके नेपियर फार्मिंग का जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर आपको अच्छी जीसीवी मिल सकती है, ऐसी जीसीवी जिससे आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी पैलेट बेच सकते हैं, ऐसी जीसीवी से आप थर्मल प्लांट को भी जीसीवी पैलेट बेच सकते हैं, तो वो है नेपियर क्रॉप। और हम लगभग अगर 50 एकड़ फार्मिंग करते हैं तो उससे हमको 800 टन पैलेट प्लांट के लिए बायोमास मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 664 टन हमको आफ्टर ड्राइंग
पैलेट मिल सकता है, यानी कि 600 650 टन के आसपास हमको एक 50 एकड़ से हमको पैलेट मिल सकते हैं। और अगर हम 25 एकड़ की बात करें तो 332 टन 300 टन के आसपास हमको पैलेट मिल सकते हैं। तो एक अल्टरनेटिव अच्छा है क्योंकि अच्छी जी सी भी इसके अंदर है। ऐश कंटेंट 7-8% है, मॉइस्चर कंटेंट 7-8% से कम है, और सबसे बढ़िया फ्यूल है क्योंकि एक तो सबसे अच्छी जी सी इसके अंदर मिल रही है, क्रॉपिंग की रेट कम है, क्रॉप की रेट कम है। तो अगर आप इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में आना चाहते हैं तो अपने आसपास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना करके लोगों को प्रेरित करें कि वो नेपियर की ग्रो करें, और आप प्लांट लगा करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, सरकार की भी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि इस वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो काफ़ी कारगर लगी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नेपियर फार्मिंग से रिलेटेड आपको हमने कोई क्वेरी है तो आप मेरे नंबर 7073642737 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मेरी किसी भी फैक्ट्री कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी और फैजाबाद पर आकर के आप हमको 1-to-1 विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पीवीजी। स्टे कनेक्टेड।